रहमान है, मैं हाई कोर्ट एडवोकेट हूँ तेलंगाना हाई कोर्ट में। और ये जो NRC का जो झगड़ा जो चल रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नया रूल लेके आई है, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसे रूल पास करने से पहले पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए। और ये NRC और जो लेके आ रहे हैं, ये बहुत काला, मतलब इनका काला मंसूबा है, जो लोगों को डिवाइड एंड रूल करने का, जो ब्रिटिश के ज़माने पर चल रहा आ रहा था, वो फिर 70 साल के बाद में फिर वो हालत को फिर रिपीट कर दिए लोग। ये जो NRC का मामला है, देश को पूरा बेच देने का मामला है, और पूरा हिंदुस्तान को बेच दे के, पूरे इंडस्ट्रीज़ को या पूरे गवर्नमेंट ऑफ जो भी डिपार्टमेंट को पूरा बेच दे के हिंदुस्तान को ब्रिटिशर्स के, फॉरेन कंट्रीज़ के हाथ में, कॉरपोरेट्स के हाथ में सौंप देने का इरादा है इन लोगों का। और जॉब्स नहीं है, हेल्थ नहीं है, लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ये सब जो जॉब्स के बारे में, डिमोनेशन के बारे में, जितने भी जो मॉब लिंचिंग के जो भी झगड़े हो रहे हैं, ये सब सारे चीज़ों को छुपाने के लिए लोग NRC का मुद्दा लेके आए, पूरे डाइवर्ट कर रहे टॉपिक को, जिसके वजह से क्या हो रहा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे देश के लोग समझदार हो चुके हैं, लड़ना नहीं चाहते, झगड़ा नहीं चाहते, ये लोग अमन और शांति से रहना चाह रहे हैं। लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ एक झगड़ा फसाद बना के, ये जो भी एजिटेशन जो चल रहा, जो स्ट्राइक चल रहा, इसको इन लोग नाकाम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, शादी से कर रहे हैं लोग, और लोगों को जो है कोई इलीगल तरीके से कोई ना फंसा के इन लोगों के पास केस करके इन लोगों को अंदर डालने की कोशिश में है। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो NRC का मुद्दा लाए ताकि सारे टॉपिक डाइवर्ट हो जाए, और बाद में ये लोग पूरा देश को भेज दे के यहाँ से भाग जाने वाले हैं। कोई हिंदुस्तान का कोई मुसलमान करोड़ों लेके नहीं भागा यहाँ से, जो भी भागे नीरव मोदी, विजय माल्या, पूरे मुसलमान नहीं है वो, जो भागे यहाँ से पूरा पैसा हिंदुस्तान का पैसा लेके, हिंदुस्तान से गद्दारी करके, हिंदुस्तान को धोखा दे के, BJP गवर्नमेंट को 350 करोड़ का चेक दे के ये लोग हिंदुस्तान से भाग गए। इनको पकड़ती नहीं है, ब्लैक मनी जिसके पास उनको नहीं पकड़ती गवर्नमेंट। और जो है लोकल जो कॉमन पीपल है, गरीब लोग है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी सिख जैन जो भी लोग हैं, बुद्धिस्ट जो है, इनके ऊपर जो है डिटेंशन सेंटर बना के इनको डराने का इनका एक मेन मुद्दा है। डराने के बाद में इन लोग को हिंदुज़म में कन्वर्ट करो बोलते हैं, नहीं तो डिटेंशन सेंटर में रखने का इरादा इनका। ये जो इन लोग सोच रहे हैं ना, ये कामयाबी नहीं होता। ये जो है हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया का प्रियम्बल है, हिंदुस्तान के पब्लिक ने इसको बनाया है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन BR अंबेडकर साहब लिखे है उस हिसाब से देश चलना है। मोदी साहब क्या बोले थे, PM साहब मेरे हाथ में एक ही किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन किताबों के बोले थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन किताब कहाँ गई, वो कहाँ है अभी, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बात कर रहे आप। पब्लिक एक महीने से JNU में, AMU में, और जो शाहीन बाग में जितने स्ट्राइक कर रहे औरतें, पूरे बूढ़े लोग, बच्चे, तो आप आज तक जवाब नहीं दे रहे उन्होंने, इसका मतलब क्या है। तो ये जो भी काम चल रहा है, RSS का पूरा मुद्दा चल रहा है, हम RSS या BJP से लोगों से खिलाफ नहीं, हम किसी दुश्मनी नहीं है किसी की, इंसानियत, हिंदुस्तान के जो भी अवाम है, सिटीजन्स है, हिंदुस्तान के सिटीजन भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या बोल रहा, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज़ ए पुलिस मैन विदाउट वेयरिंग यूनिफॉर्म। हर इंसान का राइट है कि देश को बचाना, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, ये बचाएंगे। इनके ऊपर जो गोलियाँ चलाने जगह रहे इलीगल है, और ये सब रुकना चाहिए।